आरंभ केस हो रहे हैं वो सब विदेश से जो लोग आए हैं उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। भारत में ये प्रयास बहुत पहले से शुरू हो गए थे तो यहां उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब जरूरत यह है कि इसके केस बढ़ रहे हैं तो उससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो हमें करना चाहिए, अपने जीवन शैली में बदलना चाहिए। बहुत सी चीजों में भ्रम है कि इसमें कोई बहुत परहेज करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो सात्विक भोजन है आप वो करें, उसमें कोई ये न लगे, पानी गर्म कर पिए। दूसरी अपील ये है कि ऐसे मौके पर कुछ लोग ज्यादा सामान खरीद के रख लेते हैं कि कल पाता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनावश्यक, और कोई उससे कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो कभी स्थिति अगर बिगड़ गई तो उसका बड़ा दूरगामी असर होगा। तो अभी से जो व्यापारी हैं वो भी इस बात में संयम बरते कि किसी को अपनी ज्यादा बिक्री करने के लायक ऐसा न करें, जितनी जरूरत है जितना दें। ये सप्लाई लाइन नहीं टूटना चाहिए। ये थोड़ी सी बातें हैं जो कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपको बता दी, आप सबने उसको उनका पालन करना ये हर नागरिक की स्वयं जिम्मेदारी है। अभी मौसम जब तक गर्म नहीं होता तब तक इसका नियंत्रण भी पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो वो भी एक कारण है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया में अभी तक भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसे इसको फैलने से रोकने में पूरी सफलता प्राप्त हुई थी, और आज भी जो कदम उठाए जा रहे हैं कि विदेशों से आने वाला सामान उनसे उन देशों में जाना, वहां के लोग जो आ रहे हैं उनका परीक्षण, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि वो जो आता है वो उनमें किसी न किसी में ये वायरल उस देश से लेके आता है और ये इतनी तेजी से फैल जाता है कि लोग घबरा जाते हैं। तो अगर वो आएगा भी तो थोड़ी देर में वो कुछ घंटों में समाप्त भी हो जाता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आके बढ़ता चला गया तो उसको रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो अभी कोई ऐसी स्थिति देश में नहीं है, कुछ जगह कुछ केसेस हुए हैं लेकिन वो भी उसी का प्रमाण है। तो आप सबके माध्यम से आज ये जो सामाजिक समस्याएं हैं और सबसे बड़ा संकट इस समय जो सामने आ रहा है उसके लिए सावधान करने के लिए मैं सभी अपने भाई बहनों से ये उन्हें संदेश भी देता हूँ, मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि वो संयम के साथ कुछ समय तक
अपने घर के अंदर ही रहे ज्यादातर, उनके वहां भी कोशिश हो कि कम से कम लोग आए बाहर के, जो आए उनकी जांच भी हो सकती है और कुछ चीजें जैसे सैनिटाइजर है वो दिन में कई बार लगा लें हाथ में तो, और हमारे देश की तो पुरानी परंपरा का हम नमस्कार करते थे, लेकिन आजकल हाथ मिलाने के, यहां मिलाना अगर कोई उससे प्रभावित मरीज है तो आपको भरपूर वो बीमारी प्राप्त हो जाए। नमस्कार करिए, तो इससे घबराओ नहीं, लड़ो, इस भावना के साथ आप ऐसी महामारी से स्वयं को बचा लेते हैं तो आप देश को बचा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी आज मैंने विश्वविद्यालय को भी वहां जिनकी आवश्यकता है वही रहेंगे, बाकी वो घर से पढ़ाए, जो समय सीमा बताई गई है उस समय तक अगर हम करेंगे तो बहुत रोक सकते हैं, यही आज मुझे कहना था।